थोड़ा सा आज उसके मुंह में थोड़ा सा ग्लो था कि उसको पता चल गया है कि हैदर भाई इस दस को तो नहीं आ रही, इतने दिन उसको और मिल गए हैं। और तीसरी बात, आज मोमिन सर को कोस रही थी, आज मोमिन सर के लिए बोल रही थी कि वहां जाके जो दिखा रहा है वो बोल रहा था है? अच्छा? वो बोल रहा था हाँ, अच्छा? वो एक हड्डी का बोल रहा था, कह रहा जो कुछ दिखा रहा है वो सब गलत दिखा रहा है। अगर बेवकूफ इंसान को कितना छोटा है, उनके बच्चों के बराबर है, कम से कम थोड़ा तमीज और तहजीब तो बोलते तो बोल ले। क्या तो अपने बाप को भी ये बोलता कि नेत्रपाल तू क्या कर रहा है, और नेत्रपाल हाँ बोलते हैं ये, ओ बाबा क्या कर रहा है, तो सो गया कि नहीं सो गया, ये इनकी भाषा है। बट देखिए एक रेपुटेटेड इंसान है और इतने रिस्पेक्टेड है और इतने ऊंचे उससे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तमीज तो बनती है भाई। चाहे तुमने गालियां दी, नमस्कार, तो गालियां दी कुछ भी दी, तो कह रही है कि ये जो कुछ दिखा रहे हैं बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो रूम दिखाया है वो भी गलत दिखाया है, और अब जो ओनर है उसको ये झूठ झूठ बोल के और अपने बयान दिलवा रहे हैं। इन्होंने पहले उनको सिखाया है और अपने बयान दिलवा रहे हैं। तो बेवकूफ औरत, शायद जब तूने ये लाइव खत्म की होगी ना, और तूने उसके बाद मोमिन सर का वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उस ओनर ने भी तुम पे FIR कर दी कि तुमने उसको बेवकूफ बनाया। तो मोमिन सर ने तो क्या किया बच्चों के रिगार्डिंग, कि भैया बच्चे वहां से और वहां तक तो लीगली आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वहां से उस सरकार को धोखा देके वहां से बच्चे इनलीगल ले आए, तो डेफिनेटली बच्चे क्या हो गए, अगवा हो गए। वहां से तो अगवा होके आए हैं, वहां की सरकार को भी, वहां के इदारों को भी, वहां के पुलिस वालों को भी चकमा दे के बॉर्डर पार करके आ गए। हिंदुस्तान में पहुंचे तो हिंदुस्तान की भी बॉर्डर पार करी, उसके बाद जाके यहाँ कह रहे कि हम गलती से आ गए। मतलब इसके तो एक झूठ मतलब झूठ पे झूठ। और वहां मोमिन सर को कोस रही है, मोमिन सर को बोल रही है, कह रही कुछ भी ये सच नहीं दिखा रहा है, जो दिखा रहा है ये झूठ दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, अब पता चलेगा ना। वहां जो एप्लीकेशन जो वो डाली है, FIR डाली है, और उसके बाद जो वहां की पुलिस वाले तेरा जो करने वाले हैं ना हालचाल, पहले तो यहाँ कुटेगी, उसके बाद वहां कुटेगी। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि डॉन को पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है, सीमा को तीन मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तीन तो हो गए हैं, मुझे लगता है कि अगर एक बार सर दुबई चले जाए ना तो वहाँ भी कंप्लेन करनी चाहिए, यहाँ तक लीगल आई थी, इसके बाद आपने इनलीगल क्यों जाने दी। आप लोग खाना खाए आज उस तरह की बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, जो मोमिन सर के आज बयान आए हैं, मोमिन सर ने जो कार्रवाई की है आज टोटल उससे बात होने वाली है। और लप्पू जो मॉल में गया, जेब खाली थी, बस दिखाने के लिए गया, उससे बात होने वाली है। और आस्था माजी, आज बहुत अच्छा लगा कि आस्था माजी ने कल जो इसको समझाया आज उसको कुछ असर हुआ, और वो आस्था माजी की शरण में आने को तैयार है। सत्य में आस्था माजी को क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने उसका माइंड चेंज कर दिया। मतलब ऐसी बात नहीं है, आप प्लीज खाना खाएं और आप लाइव है उसने की आस्था माजी, अगर आप की आपके हिसाब से अगर मैंने कितनी सनातनी है वो आज से शिक्षा दीक्षा लेने के लिए आ रही है माँ। सच में उसको लगा, देखो ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ को कहते हैं कि भैया सोशल मीडिया पर बैठ के, हमको भी कहते हैं, माँ को क्या कहते हैं, हमको भी कहते हैं, ट्रोल हमको भी करते हैं, माँ जी को भी करते हैं, हर किसी को करते हैं। लेकिन देखिए चाहे उसने कैसे भी बोला है, चाहे उसने जैसे भी बोला है, पर माँ जी ने जिस तरह से उसको बोला है और उस तरह से उसने अगर उसको ध्यान में रखते, मद्देनजर रखते हुए अगर आज उसने काम डाउन होके बोला है, तो शायद उसको माता जी की बातें पसंद आई हैं और वो एक सनातनी बनना चाहती है। और माँ सच में ही उसने ये बोला है, शायद आपने भी देखा होगा
कि आस्था जी आप महादेव जी की भक्त हैं और आप जिस तरह से अपने हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को एक हिंदू मतलब एक सनातनी बनने में अभी कुछ कमियां रह गई हैं तो वो आप पूरी करें, वो लिखिए, क्या आप उसको एक सनातनी बनाने में सहयोग करेंगी? हमारी आस्था जी को उसमें क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, गुरु मान लिया, वो जो स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, शिष्य माँ जी के चरण छाया में वो आना चाह रही है, जो है ना वो आस्था माँ साईं को इसको निकाल कर, नहीं नहीं आस्था माँ जी को तो वैसे भी पसंद नहीं है, आस्था माँ जी का काम है समझाना, समझे समझे नहीं समझे तो उसके बाद आस्था जी यू पकड़ के ऐसे घुमा के ऐसे फेंकते हैं। मोनिका ने बड़ी अच्छी बात की है, ये भगोड़ी जब फंस गई है तो माँ माँ कर रही है। हाँ इसको पता है, और ये मोमिन सर को आज किस तरह से बोल रही थी, जो कुछ दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने क्या बोला था फेजो सर, मैंने कहा रजिस्टर में दो लोगों के नाम है और दोनों ही गलत है, क्योंकि हमने पहले देख चुके थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी दिखा चुके थे, इनका नाम कहीं नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये लोकल है ये लोग, तो चलिए छोड़िए क्या इनका नाम लिखना है, पैसे तो दे ही रहे हैं, जिस तरह से आपने भी जो आपका माइंड गया कि भाई उनको तो अपने पैसे से मतलब है, अगर इन्होंने रूम में रहना तो उनको अपने पैसे से मतलब है, और वो हर डेली डेली रेनुमा स्वागत है आपका, तो डेली वो 11 बजे या 12 बजे के करीब जब भी उनका टाइम पीरियड वो होता होगा वो 500 रुपए दे देते थे, तो उनको उन्होंने ये लगा कि जब ये त्राई क्षेत्र के ये लोकल लोग हैं तो इनको क्या एंट्री करनी है, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं तो अपना नाम लिखा था मैंने, तो सीमा का भी नाम लिखा था, तो भाई कहाँ है, वही रजिस्टर दिखा रहे हैं वो कोई दूसरा रजिस्टर नहीं दिखा रहे हैं, बाकायदा उन्होंने 2023 वाला ही वो रजिस्टर दिखाया और डेट भी दिखाई, तो उस डेट में तो तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं है, और तुम मोमिन सर को, हेलो किशोर, हेलो पवन, तो आप लोग मोमिन सर को कैसे झूठ बोल सकते हो, और तुम्हारे तो अब हालत अब खराब हुई है, जब मोमिन सर वहां से बाहर निकले उससे क्या बोलते हैं उनकी कंप्लेन करवा के पुलिस स्टेशन से, उन्होंने पुलिस स्टेशन में बच्चों को बच्चों के रिसीविंग में मिल गई है, और जो वो है क्या बोलते हैं ऑनर है उन्होंने भी करवा दी कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, इन्होंने झूठ बोल के हमसे, और उसके बाद यहाँ पे स्टे किया है वो भी 10 दिन तक, अगर कोई ये वो होते तो कुछ कर जाते यहाँ पे, कुछ ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कुछ हो जाता तो उनकी रिसीविंग पे नहीं दिखाई, और उनको ये दिखाया कि वो अंदर तक गए हैं और उनके उनके पास एक था लेटर लिखा हुआ था, वो लेटर वो देने गए हैं और शायद रिसीविंग में मिल गई होगी, वो कल पता चल जाएगा। तो अब बच्चे भाई कहाँ, अभी तक तो हमने डायलॉग ही सुना था पिक्चरों में कि अभी तक तो तुमको सारे ना 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, तुझे तो 3 मुल्कों की ढूंढ रही है, तो पर भी नहीं हाथ आ रही है, 12 तो तब ढूंढेंगे तो 3 मुल्कों की पुलिस के हाथ भी नहीं आ रही है, बताओ। और हमारे माँ को छीन रही है हमसे, माँ आप उसको शिक्षण उसको सनातनी बनाएंगी आप? सही बात है, ये बड़ा एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है, उसने अब एक नया तरीका आजमाया, उसने कहा है कि माँ जी को तो मैं कुछ कर नहीं सकती, अगर मैंने कुछ कह दिया तो मेरे लठ पड़ेंगे, तो क्यों ना प्यार की भाषा से, तो भाई बात ये है कि उसने माँ जी का गुस्सा भी देखा है, और बिल्कुल बिल्कुल उसने माँ जी का गुस्सा भी देखा है, प्यार भी देखा है, देखिए जहाँ पे उनको गुस्सा दिखाना है उन्होंने गुस्सा भी दिखाया है, जहाँ उनको लगा कि यार देखो ये गुस्से में भी देखो गालियां तो हम उसको रहे हैं, और उसके बाद हम डांट भी उसको रही है, लेकिन उसको ये लगा कि हाँ वाकई में अगर आस्था माँ ऐसे बोल रही है, एक धर्म की प्रचारक अगर ऐसे बोल रही है, तो क्यों ना मैं इनके लट्टू हो जाऊँ, क्यों ना मैं इनको थोड़ा सा वो करूँ, मतलब वो चाहती है, वो सोच रही है कि भैया अगर मैं आस्था माँ बोलूँ तो शायद वो पिघल जाएंगी, भाई इन लीगल आई है आस्था माँ उस चीज को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ एक बात के लिए ठीक है, अगर तेरे को वो बनना है सनातनी बनने का, तेरे को अगर वो सीखना है उसके लिए वो तुझे बता सकते हैं, लेकिन तो सनातनी कभी नहीं बन सकती, देखो वो शिक्षा दे सकती है जितना उनको पता है, वो तेरे को शिक्षा जितना हमें पता है कि माँ तेरे को शिक्षा दे सकती है, लेकिन तो सनातनी तब भी नहीं बन सकती। तो आज तो कह रही है कि मैं
किसी को गाली नहीं देती हूँ, जिन दो एक आध लोगों को मैंने गाली दी तो मैंने मेरे बच्चों की वजह से दी है। तो खास कसम अपने चारों बच्चों की कसम की किसी भी हिंदुस्तान की महिला ने, किसी भी हिंदुस्तान के पुरुष ने मेरे बच्चों को गाली दी, पहले तो कसम खा, क्योंकि हिंदुस्तान की महिलाओं को और हिंदुस्तान के ही बहनों को तूने गाली दी है ना उन बच्चों की वजह से, तो कसम खा के जितनी सारी महिलाएं यहाँ पे गाली खा रही हैं सिर्फ उन चार बच्चों के लिए खा रही हैं, जितनी सारी महिलाएं गालियां खा रही हैं वो उन चार बच्चों के लिए खा रही हैं क्योंकि हम उन चार बच्चों को उनके पिता के पास जाते हुए देखना चाहते हैं बिल्कुल सबके सब।